हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और एक एज कैलकुलेशन के लिए हम फिल्टर जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसका एज मतलब एज वो कैलकुलेट करके हमें देगा या कुछ भी चीज को फिल्टर करके दे सकता है। लेकिन हमने ये जो प्रोग्राम बनाया वो एज के रिकॉर्डिंग बनाया, तो यहाँ पर एज नाम से एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी एज मैं टाइप करूंगा। जैसे यहाँ 2 टाइप कर दिया, 15 टाइप कर दिया, 18 टाइप कर दिया, 60 टाइप कर दिया, तो ये बहुत सारी एजेस हमने टाइप कर दी हैं। एंटर करेंगे, यहां पर एक फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड लिखते हैं हम और यहां पर एजेस नाम से वो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर मैं ए लिख देता हूं, ठीक है, ए लिख देता हूं और यहां पर इसको कॉलन लगा करके एंटर करके नीचे आते हैं। कंडीशन क्या देंगे, इफ दे दिया, ए इज लेस देन 6, मतलब एज जो है एज यानी ए में जाके स्टोर होगा ये, तो ये ए में जो वैल्यू है वो लेस देन 6 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया और एंटर करके नीचे आए और यहां पर रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे फॉल्स। स्टेटमेंट क्या रिटर्न करवाएंगे, फॉल्स। अब देखिए दिक्कत क्या होती है, यहां पर स्मॉल में फॉल्स लिखने की कोशिश करते हैं, जब स्मॉल में लिखेंगे तो ये पाइथन में एक अलग कीवर्ड हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और निकलेगा, आपको कैपिटल में लिखना है, FALSE, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिएगा, एंटर करके नीचे आइएगा और यहां पे लगाइएगा एल्स, ELSE, एल्स लगा दिया। यहां पे एल्स में क्या देंगे, एल्स में यहां पे दे देंगे रिटर्न RE, यहां पे देखिए यहां पे आए, एक मिनट, बैक स्पेस, ये यहां पे दे देंगे रिटर्न RETURN, रिटर्न। और क्या देंगे, यहां पे देंगे ट्रू, कैपिटल में लिखिएगा ट्रू, ये बात ध्यान रखिएगा, कैपिटल में नहीं लिखेंगे तो चलेगा नहीं। और यहां पर हम चाइल्ड की एज रिटर्न करवाना चाहते हैं, जो चाइल्ड वाली एज है, तो एक ही एज तो चाइल्ड की है, टू ईयर जो है वही हम रिटर्न करवाएंगे, तो यहां पे लिख देता हूं चाइल्ड कुछ इस तरीके से और इज इक्वल टू, यहां पे लगाएंगे फिल्टर फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है फिल्टर, यहां पे ध्यान रखिएगा कैपिटल स्मॉल का, तो स्मॉल में फिल्टर ये लिखना है आपको। और यहां पर मैं दे देता हूं एजेस, एजेस दे दिया, एजेस नाम से ये फंक्शन हमने बनाया, याद है आपको, यहां पर देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। अब ये जो है एजेस हमने लिख दिया AGES, और अब क्या करना है आपको, एज में एज नाम की लिस्ट बनाई थी वहीं से ये एक्सेस करना है, तो एजेस दे करके कॉमा दे देंगे और यहां लिख देंगे एज, हो गया, बंद कर देंगे इसको, बंद करके एंटर करेंगे और यहां पे लिखेंगे फॉर ए, ए नाम से बनाया था ना, तो ए इन इस तरीके से लिखिएगा ए इन। और यहां पर चूंकि हम चाइल्ड की एज को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं चाइल्ड, और हमने ऊपर बनाया भी है चाइल्ड इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्राइटेरिया ऊपर दी गई है, इफ ए इज लेस देन 6, माने 6 से कम रहे, ठीक है, 6 से कम क्या है, 2 है, ठीक है, एक ही है 2 है, ठीक है। तो यहां पर 2 साल की जो एज है वो 6 से कम है। अब यहां पे प्रिंट करवा देंगे, सिंपल वे है प्रिंट करवाने का, यहां पे लिखेंगे प्रिंट और ए को प्रिंट करवा दीजिए, और जैसे ही प्रिंट करवाएंगे F5 करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गया, लीजिए 2 साल ये प्रिंट होकर आ रहा है कि नहीं, यहां पर देख सकते हैं 2 साल प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसमें एक और एज लाइक 3 रख देता हूं, 5 रख देता हूं, ठीक है, एक बार और यहां पे क्या करता हूं 1 रख देता हूं, तो यहां पर एज डिफरेंट भी हमने डाल दी है, जिसमें केवल चाइल्ड वाली एज है, 5 साल से जो कम है वो बच्चे हैं, चाइल्ड है, तो यहां पे इसको सेव करके एक बार और रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो इससे कम है वही एज प्रिंट होकर आ रही है, देख सकते हैं। अब इसमें कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं, कंडीशन कैसे चेंज करेंगे, यहां पर जो चाइल्ड बनाया इसको हटा देते हैं, यहां पर दे देते हैं अडल्ट, ADULT, अडल्ट दे दिया, और यहां पर भी आपको क्या लिख देना है, अडल्ट लिख देना है, अडल्ट ADULT, और यहां कंडीशन भी चेंज कर देनी है, ठीक है। कंडीशन क्या चेंज करनी है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 6 कर देते हैं, ग्रेटर देन 6 माने 6 से ज्यादा जो एज हो, तो बस यहाँ पे प्रिंट करवाइएगा तो 6 से ज्यादा वाला एज प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हैं 15 है, 18 है और 60 है, 6 से ज्यादा तो यही है 15, 18, 60, यानी कि जो कंडीशन हमने पहले दी थी 6 से ज्यादा का मतलब 15, 18 और 60 ही तो 6 से ज्यादा है, तो इसीलिए ये कंडीशन आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे करके यहाँ 72 दे देता हूं, यहाँ 56 लिख देता हूं, यहाँ 9 लिख देता हूं, तो ये भी प्रिंट होकर आएगा जब रन कराएंगे, तो ये देखिए सारा कुछ प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।